मणिपुर मामले को लेकर पूरे देश में निषेध किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में विरोधी पक्ष की ओर से ठहराव रखा गया। इस बात की जानकारी विधायक वर्षा गायकवाड़ ने दी। बिल्कुल, मणिपुर की घटना जो है उसके निषेध में जो है हमने आज विधि मंडल में कहा कि हमें एक प्रस्ताव करना है। जिस तरह से यह घटना 4 मई को हुई और आप सबको मालूम है कि मीडिया के माध्यम से यह घटना को उजागर किया गया, मानुष की को बिल्कुल हमको सबको शर्मसार करने वाली यह घटना है, क्योंकि इस घटना के माध्यम से एक बार वापस साबित हो गया कि जिस तरह से केंद्र की सरकार और राज्य की मणिपुर की सरकार किस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से महिलाओं को उस जगह पे आपको मालूम है कि नग्न घुमाया गया, विभिन्न उनके साथ अवस्था में व्यवहार किए गए, ये किसी भी इंसान को अच्छे नहीं लगेंगे। राजनीति से परे महिलाएं होती है और इसीलिए आज हमने ये मुद्दा रखा कि महिला के सम्मान में हमको यहाँ पे बात करनी चाहिए, उस सरकार का धिक्कार करना चाहिए। जब जैसा आपको भी बताया कि कोर्ट ने कहा है, सीजे ने कहा है, चीफ जस्टिस जी ने, कि इसके ऊपर सुमोटा केस होनी चाहिए और देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 30 सेकंड बात की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब देश की महिलाओं पर इतनी बड़ी आपत्ति आती है तो देश की महिला करके हम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और सब लोग साथ में मिलकर एक साथ है। ये सवाल सब महिलाओं का है और महिला के सम्मान के लिए आज हमने एक ठहराव मानने की बात की तो अध्यक्ष जी ने हमें एक मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। हमको बात करने के लिए हम अध्यक्ष से बार बार कहने लगे, सर हमको एक मिनट बोलने का मौका दीजिए, लेकिन उन्होंने हमको बोलने का मौका नहीं दिया। लोकशाही में विरोधी पक्ष का काम है, लेकिन महिला की बात आए तो सत्ताधारी का भी काम है कि इसमें शामिल हो और ये ठहराव किया जाए। और इसीलिए हमने उनसे कहा कि 6 तारीख, आज अब आपको मालूम है कि 8 तारीख को सब महिलाओं को भाषण करने देते, तो महिला दिन सिर्फ इसी दिन नहीं होता, 8 मार्च के दिन महिला के अवसर पे जब हम बात करना चाहते हैं तो आप उनके अवसर पे हमको बात भी नहीं करने देते, तो हम अपना निषेध करके यहाँ पे आप सबके सामने आए हैं। लेकिन ये आवाज कभी दबेगी नहीं, ये आवाज अभी आपको मालूम है कि महिला की है, हर महिला